कटक जिला महांगा निर्वाचन मंडली बीजेपी रो वरिष्ठ नेता स्वर्गत कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल जी प्रधानमंत्री आवास दुर्नीति विरोध में स्वर उत्तोलन करिवारु निर्मम भाव हत्या कर बीजेडी सरकार को आईन मंत्री श्री प्रताप जेना हत्यार मुख्य षड्यंत्र दर्शाई बेले तीन सौ दुई दफा लगी सत्वे वर्तमान पर्यंत बहिष्कार की गिरफ्त कर यार प्रतिवाद आज बीजेपी युव मोर्चा तरफ एसपी ऑफिस सामने घेरौ सह मंत्री प्रताप जेना कुशपुतलिका दाह कर प्रतिवाद और विक्षोभ कार्यक्रम में पूर्वतन जिला और सभापति श्री कान्हुचरण पति सुनील कुमार साहू राजेन्द्र कुमार विकास पाणिग्राही कमल कुमार पात्र मधुसूदन साहू रामकुमार पात्र प्रमुख कार्यक्रम में सहयोग करथिबा बेले उक्त कार्यक्रम को युव मोर्चा संपादक किरण कुमार साहू नेतृत्व नहींथिले। आज दाबी हैला राज्य सरकार को जीए दुर्नीति विरोध में स्वर उत्तोलन ताको निर्मम भाव हत्या करा घटना घटी महांगा निर्वाचन मंडल रे जो कि विधायक निजे ल मिनिस्टर अच्छा प्रत्यक्ष तत्वावधान इंगित जो भाई भाव नृशंस भाव दुईज राजनीतिक दल नेता तथा आम भारतीय जनता पार्टी सहकर्मी से जो हत्या करागला ता विरोध में आज आम विक्षोभ प्रदर्शन करूँ। आज एसपी को मध्यम आम जनईचु जे तुरंत प्रताप जेना सहयोगी मान तुरंत गिरफ्त करूँ जदि तीन सौ दुई दफार जब गिरफ्त न करेंगे तालोले आगामी दिन में आम आठ तारीख दिन डीजी को मत दबू जदि डीजी मत जब कथ न शुणी तेल आम भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता को ओह्लैब जो पुलिस प्रशासन ही संपूर्ण भाव दायी रही। प्रधानमंत्री आवास योजना को आज केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से जगह दुई हजार बैस सुधा सारा भारत में कौन सी कुड़िया रही से प्रधानमंत्री आवास योजना जगैंट किंतु ओडिशा रे विजु जनता दल प्रधानमंत्री आवास योजना को विजु पक्का घर ना से नामित कर छपाऊँ लोक मान भुआ बोला लोक मान भ्रमित कर प्रतिवाद में सारा ओडिशा रे आज आंदोलन चली ब्लॉक घेराव हो प्रधानमंत्री आवास योजना को विजु पक्का घर ना जो नामित कर बंद करा से महांगा निर्वाचन मंडली से ब्लॉक रे आमर भारतीय जनता पार्टी कर्मी मैंने आंदोलन करते दुई जन को निर्मम भाव में हत्या करा जाई तार प्रतिवाद रे से अंचल रे प्रताप जेना होते मंत्री आईन मंत्री तार प्रतिवाद रे ताकु विरोध कर मंत्री पद इस्तफा दाबी करी आम आज एसपी ऑफिस आज घेराव कर आगामी दिन में आम जीवु यह जो न हो डीजी पाक जीव ना राज्य रास्त ओह्लैबू आंदोलन करूँ। ब्रह्मपुर कालीप्रसाद रथ रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।